तो हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज आप सब हमारे साथ चलेंगे अमरनाथ बाबा के पवित्र गुफा तक, जहां आज बाबा का दर्शन होगा। बाबा बर्फानी को आप सब हमारे साथ देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे और उनसे आप लोग को जो भी मन्नत है वो मन्नत मांगेंगे। आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कहा जाता है कि भगवान हर जगह है। तो फिलहाल आज आप सब हमारे साथ चलिए बाबा बर्फानी का दर्शन करने। और ये जो आठवां एपिसोड है, और आज वो वक्त आ गया जब हम लोग करेंगे बाबा का दर्शन। तो और मैं क्या बोलूँ, आप सब सीधे चलिए हमारे साथ बाबा अमरनाथ जी के पवित्र गुफा तक। देखिए दोस्तों, ये जंगली चूहा कितना बड़ा है। ओह क्या खाता है, फूल घास खाता है ना। देखिए दोस्तों, ये जंगली चूहा है कितना, और ये चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। देखिए दोस्तों, सामने गुफा है बाबा का। पालटल वाले के बारे में लोग बोलते हैं कि काफी खतरनाक है, खतरनाक पहाड़ी हर रास्ता होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, इधर से ये ऐसे हम इधर आ गए इस ब्रिज पे, और ये लोग ऐसे आ गए। तो ये ब्रिज जो है दोनों ही रास्ता को, बालटाल को और पहलगांव को जोड़ती है। और इधर घोड़ा स्टैंड है जहाँ पे सारे के सारे घोड़े लगे हुए हैं। हम जिस घोड़े वाले के साथ आए हैं उनका आई कार्ड लेके रख लिए हैं। और यहाँ पे संस्था की तरफ से घोड़े का निःशुल्क चारा यहाँ पे मिल रहा है। जो भी घोड़ा चल के आया है उसको फ्री में यहाँ पे चारा दिया जाता है। तो चलिए इस प्यारे सी एकदम स्वच्छ नदी को पार करते हुए, देखिए बहुत सारे भक्तगण वहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं इस बर्फीली नदी के पानी से। तो अब चलते हैं बाबा गुफा के तरफ, और आप लोग अब दर्शन कीजिए बाबा का। और देख सकते हैं यहाँ तक ना भंडारे की सुविधा उपलब्ध है। तो आपको हम यहाँ से दिखलाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक कैमरा जाएगी वहाँ से, कि बाबा का गुफा अब लगभग 1 किलोमीटर। और ये नदी है प्यारी सी, और ये लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो हम अपना आँख मुँह धो लिए, बाबा का गुफा देख रहे हैं आप सामने। तो अब चलते हैं गुफा की ओर। दोस्तों, तो बाबा जी के गुफा के बिल्कुल पास आ गए हैं, और सामने बाबा का गुफा है। आप सब देख सकते हैं गुफा है सामने। आपातकालीन सेवा के लिए हेलीपैड भी बना हुआ है बिल्कुल मंदिर के पास, गुफा के पास। और ये देखिए हमारे देश के वीर जवान लगातार चौकन्ना है सुरक्षा में, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में। कहाँ से आए हैं आप?
जिला मधुबनी से। बिहार मधुबनी से? हाँ। हम भी मुजफ्फरपुर से हैं। मधुबनी से हैं? एक जगह थोड़ा सा जगह पर की। कब चले बाबा? सतवां रोज हो गया। सतवां रोज आया है? बिहार से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लोग मधुबनी से हैं भाई। हमारे बिहार के भी बहुत सारे लोग हैं। कब चले? हम लोग कल चले थे चंदनवाड़ी से। अरे वाह, 20 किलोमीटर आके हम लोग पैदल। अरे वाह, आप लोग तो मिसाल हैं। हर हर महादेव। और देखिए दोस्तों, गुफा के पास आके भक्त जन एकदम इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि अब तो दर्शन हो ही जाना है। तब जगह पे आके लोग, ये देखिए बहन जी सो गई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था। सो क्यों गई? मतलब लगता है कि अब तो आ ही गए, तो थोड़ा सा सो ही लेते हैं। हर हर महादेव। इतना ठंडा लग रहा है ना इस बर्फ के पास, क्या बताऊं। तो थोड़े से हम और नजदीक जा रहे हैं। ये देखिए, जय हो बाबा, जय बाबा। और अब बस सीढ़ियां चढ़ना है थोड़ा सा। सामने बाबा जी का गुफा है, लेकिन है वहाँ ना, रख सकते हैं आगे भी। चलिए तो कैमरा और आगे जाएगा, बाबा के बिल्कुल पास तक हमारा कैमरा जाएगा और आप लोग बिल्कुल क्लोज तक बाबा को देख सकेंगे। फाइनली यहीं तक अब मोबाइल जाएगा, उसके बाद आगे मना है। तो ये देख सकते हैं, इससे आगे मोबाइल कैमरा नहीं जाता है ना। ओके। हर हर महादेव मित्रों, चंदनवाड़ी से चल के हम 32 किलोमीटर का सफर करके आ गए हैं बाबा के पवित्र गुफा के पास। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बाबा की गुफा है। और यहाँ के बाद मोबाइल और कैमरा जो भी है कुछ भी अलाउ नहीं है। तो हम तो आप लोग भी पवित्र गुफा का दर्शन कीजिए, बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा का दर्शन कीजिए। बिल्कुल पास है, लगभग यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बाबा का गुफा है, लेकिन क्या है कि कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं है। तो अब यहाँ के बाद कैमरा मोबाइल हम लॉकर में डाल के और जाएंगे दर्शन करने। तो हर हर महादेव। तो दोस्तों अब चलते हैं लॉकर में, कैमरा और मोबाइल को जमा कर देते हैं और उसके बाद करते हैं बर्फानी बाबा का दर्शन और फिर मिलते हैं आप सब। दर्शन हो गया अपना अच्छा सा, और अब जो है ना नीचे की तरफ ही चलना है, तो ज्यादा परेशानी नहीं है। उतरते हैं नीचे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आ गई है गाड़ी। ये सप्लाई की गाड़ी है, श्री अमरनाथ साइन बोर्ड की ये गाड़ी है। अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो दोस्तों अपना अच्छे से दर्शन हो गया बाबा का और बहुत आनंद है। मतलब जितने भी थकावट थी ना, सब बाबा के दर्शन के बाद दूर हो गया। और देख सकते हैं ये लोग भी दर्शन करके पालकी से वापस जा रहे हैं पंचतरणी। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे थे कि हमारा कैमरा और मोबाइल तो जमा हो गया, फिर हम आप लोगों को बाबा का दर्शन कैसे कराए, वो वीडियो कहाँ से आया। तो दोस्तों आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम इंटरनेट से या डाउनलोड करके वो वीडियो लिए। एक्चुअल में क्या है कि हम जो है सो अमरनाथ साइन बोर्ड के ऑफिस में गए, वहाँ के पदाधिकारी के द्वारा हमको वो वीडियो दिया गया। तो चलिए आप लोग देखिए अब आगे। ये बड़े भैया है हरियाणा पानीपत से,
कपिल मुखीजा हैं और प्रॉपर्टी डीलर हैं भाई अभी, और ये आज आए हैं यहाँ पे। इनको कल दर्शन करने जाना है, बाबा का पूरे परिवार हैं ये लोग, तो इनको कल दर्शन करने जाना है और हम दर्शन करके आ गए। और संयोग से जिस लंगर में, जिस धर्मशाला में हम रुके हैं, उस धर्मशाला में हम लोग साथ में ही हैं, तो आज रात हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। बहुत अच्छा हमारा दर्शन हुआ और हमारा जो भी एक्सपीरियंस था वो इनसे हम शेयर किए हैं और ये लोग कल दर्शन करेंगे। पिछले काफी टाइम से सोच रहे थे बाबा जी के दर्शन करने जाएं, पर बाबा जी का बुलावा नहीं आया जी जी। और एकाएक शुक्रवार को छोटे भाई का फोन आया जी जी। ये मेरा छोटा भाई है यश मखीजा जी जी जी। इनका फोन आया, बड़े भैया चलो बाबा के दर्शन करके चलते हैं जी जी जी। तो मेरी धर्मपत्नी ने बोला अभी अभी चले, ये वीना मखीजा हमारी छोटी बहू है, बहू है जी। तो मैंने इनसे पूछा बेटा कैसे करना है, भैया हम आधे घंटे में तैयार होके आ रहे हैं, बाबा का बुलावा अभी आया है जी जी जी। तो आधे घंटे में मेरी बिटिया आई है जी जी। और मैडम को धर्मपत्नी को बोला तैयारी कीजिए। अरे वाह, एक घंटे में बाबा का बुलावा, नई गाड़ी ली थी बाबा जी ने, कहा नई गाड़ी का माथा यही टिकाना आपने। अरे वाह वाह, सीधा बाबा जी के चरणों में। आपको अच्छा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आया। अब ऊपर दर्शन करेंगे जाके बाबा जी को। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको भी, हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे कम से दिल में यही तमन्ना थी कि हम लोग यहाँ पर जाएं जी जी। मेरे हस्बैंड पहले आते हैं जी जी, मैं फर्स्ट टाइम जी जी। और भ्राता जी आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो, मैं तो आता रहता जी, मैं तो 3-4 बार आ चुका हूँ।